फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और मैं वैसे अमूमन अपनी वीडियो के एंड पे ही कोई ना कोई ऐसी बात कहती हूँ जो मैंने सुनी होती है, अप्लाई की होती है, जिससे मुझे फ़ायदा होता है, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करूँ। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं शुरू में ही बात कह दूँ। पता नहीं आप एंड तक वीडियो देखते भी हैं या नहीं, तो तब वो ये कि आप लोग पॉजिटिव सोचा करें। मैंने ये देख लिया ज़िंदगी में कि जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, आपका दिल चाहता है आप उन लोगों से बात करें। वो पर्सनैलिटी ऐसी अट्रैक्टिव सी होती है कि आप दिल चाहता है उनके साथ बैठें, बातें करें। लेकिन जो लोग नेगेटिव होते हैं ना, उनके साथ उनको देखने का भी दिल नहीं चाहता। उनके पास से एक अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं और वो और फेस भी विद द पैसेज ऑफ टाइम अजीब किस्म का करख्त हो जाता है, जैसे सख्त मिजाज सा हो जाता है। अब मैंने कोशिश करना शुरू की भी है कि मैं पॉजिटिव ही सोचूं। पॉजिटिव सोचूंगी तो मेरे साथ पॉजिटिव होगा। तो इसलिए आप लोग हमेशा पॉजिटिव सोचें। और आज मैं लेके आई हूँ ढोलकी, उपटन और मेहंदी के ड्रेसेस, जो कि मैंने अपनी नंदों की शादियों के लिए बनवाए थे। बहुत ही रीजनेबल और सबको बहुत पसंद भी आए थे। तो चले फिर देखें कि आपको मेरे ड्रेसेस पसंद आते हैं कि नहीं। और ये जो फर्स्ट ड्रेस है, ये पिस्ता ग्रीन कलर का ड्रेस है और ये मैंने रेडी टू वियर लिया था। ये गाउन है, बल्कि पूरा फ्रॉक है। इसकी मैं आपको अभी देती हूँ डिटेल वीडियो। ये मैंने पहना था ढोलकी पे, तो सारे मेहमानों ने जिस दिन इकट्ठे होना था, तो नानकों ने और दादकों ने आना था, तो उस दिन मैंने ये तैयार होके पहना था, उनको रिसीव किया था। तो आप देखें इसकी डिटेल वीडियो। इस तरह से ये है फ्रॉक की तरह, लेकिन आगे से ओपन बिल्कुल गाउन है ये। और ये नेट के ऊपर काम हुआ हुआ है, जैसे धागे का और थोड़ा सा सितारे का। और इसके ये देखें नीचे इस तरह से ये सिल्क की पाइपिंग लगी हुई है, और ऊपर से मैंने इसको यहाँ तक बंद करवा लिया था खुद ही। वैसे ये आगे से ओपन था और उधर हुक लगे हुए थे उसके गले की साइड पे, लेकिन मैंने खुद से बंद करवाया क्योंकि ये खुली जा रहा था और एक अजीब सी लुक दे रहा था। और इसका दुपट्टा भी नेट का ही है। और नीचे से जो मैंने इनर शर्ट इसकी स्टिच कराई थी, वो कातान सिल्क की थी और वो भी इससे कम घेर वाली साइड से चौक बंद इसकी अलग से ही स्टिच कराई थी। यानी वो ऐसी थी कि अगर मैं ऊपर का गाउन उतार भी दूँ तो वो एक अलग से शर्ट है जो कि मैंने इसके अंदर हैंग की हुई है। और इसके नीचे मैंने गोल्डन कलर का ट्राउज़र पहन लिया था, मतलब टाइट पहन ली थी, जो कि नज़र ही नहीं आ रही थी, और ये फुल मेरे पाँव तक है। और ये है मेरा सेकंड ड्रेस, और ये मैंने फर्स्ट उपटन पे पहना था। फर्स्ट उपटन वो थी जहाँ मेरी नंद ने शादी होके जाना था, उनकी बहन की भी शादी थी। ये वाइट और गोल्डन कलर का है और ये बनारसी कपड़ा बहुत ही मैंने रीजनेबल लिया था। और मैंने लिया कहाँ से था, आम ही कोई बाजार था वहाँ पे, जहाँ पे दुपट्टे वगैरह मिल रहे होते हैं, ये टू पीस लिया था। इसकी डिज़ाइनिंग की और इसका ये मैंने फ्रॉक बनवाया। थोड़ा सा दर्जी ने इसको स्टिचिंग में थोड़ी गड़बड़ कर दी। मैंने उसको कहा था कि ये जो बाजू हैं, ये बहुत सारे ऊपर बनाने हैं, ये जो आजकल चले हुए हैं ना, बड़े पफी बाजू, लेकिन उससे ये सही तरीके से बने नहीं, जो कि मैं बड़ा गुस्सा हुई थी। तो लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था। तो इसकी अब आप देखें डिटेल वीडियो। और ये कोई कपड़ा है, बनारसी सा कपड़ा है, ये देखें मैं अगर इसको आपको उल्टा करके दिखाऊँ तो ये कपड़ा है। ऊपर मैंने इसके छोटी सी बॉडी डलवाई है और ये लेसिस का काम है। ये आगे मैंने बटन्स लगवाए हुए हैं, ये मेटल के बटन हैं, दरमियान में भी एक बटन, एक बड़ा बटन और एक छोटा, और साइड पे भी ये जो कोरे के काम की लेस होती है वो लगाई। और नीचे मैंने अलग-अलग इसकी कलियाँ डलवाई। कितनी कलियाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कलियाँ आगे हैं और 9 कलियाँ ही पीछे हैं। और इसके भी बाजू, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैंने आगे पफी बाजू रखवाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सही रखे नहीं है। आप रखवाइएगा, आजकल बहुत ट्रेंड है तो बहुत अच्छे लगेंगे। बाजू पर भी यही लगवा ली। और इसके नीचे जो स्लिप मैंने रखवाई थी, जो कि यहाँ तक इंटेक्ट है और नीचे से वो खुली हुई है ऐसे, ये वो भी फुल फ्लेज फ्रॉक ही स्टिच होती है, ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ता है, और ये मसूरी कपड़ा इसको कहते हैं। जिस कपड़े की स्लिप रखवाई नीचे, उसी कपड़े से ही मैंने चूड़ीदार पजामा बनवाया। और जो नीचे मैंने ये रस्ट गोल्डन से कलर की पाइपिंग लगवाई, और हर कली के अंदर ये जो इंडियन डोरी होती है ये लगाई। और इसका दुपट्टा वो ये था, अकड़ा अकड़ा सा लगता है अगर इसको क्रश ना कराया जाए। तो जैसे ही मैंने सूट लिया, उसी वक्त ही उन्होंने मुझे साइड पे पीको भी करा दी,
और उनको 100 रुपी दे के ये इस तरह से क्रश भी करवा लिया। इसके ऊपर धागा लपेट देते हैं और ये इसकी यूं चुन्नट आ जाती है जो कि बहुत ही अच्छा लुक देती है। ये देख रहे हैं, ये है मेरा थर्ड ड्रेस और ये मैंने रेडी टू वियर ही लिया था। मैंने ये पहना था अपनी जो हमारे घर में उपटन थी उस दिन के लिए, स्पेशल बनवाया था येलो कलर में ही। मैं ऐसे ही चल रही थी बाजार में और मुझे येलो कलर का ड्रेस चाहिए था। मुझे था कि मैं कोई अनस्टिच लूँगी और उसकी डिज़ाइनिंग करूँगी, लेकिन ये मुझे रेडी टू वियर ही किसी डमी पे लगा नज़र आया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा और मैंने उसी वक्त बस ये ले लिया। बस जो पसंद आ गई चीज़ वो आ गई और ये मुझे बहुत रीज़नेबल मिल गया था। और इसकी अब आप देखें डिटेल वीडियो। ये बड़ा फ्रेश येलो कलर है इसका, जो है ये शिफॉन का कपड़ा है। ये भी फ्रॉक है लेकिन इसके ऊपर कोई बॉडी वगैरह नहीं थी, ऊपर से ही कलियां आ रही हैं और कम ही कलियां हैं। यहाँ पे साइडों पे 2 कलियां हैं और इस साइड पे भी 2 कलियां हैं और साथ इसके येलो दुपट्टा है और लाइट जो डल गोल्डन होता है, लाइट सिल्वरिश गोल्डन, उस तरह की पाइपिंग हुई हुई है। और इसके अंदर जो नीचे स्लिप है उसका भी नीचे, ये जो जर्सी कपड़ा होता है ज़रा खींचने वाला कपड़ा, उसकी ये स्लिप है, पूरी फ्रॉक ही है नीचे। और ऊपर ये धागे का और नगों का काम हुआ है, आप अगर देख सकते हैं थोड़े से पर्ल्स लगे हुए हैं, कुछ नग लगे हुए हैं और थोड़ा सा धागे का काम है, थोड़ा सा तिल्ले का भी काम है। ये देखिए इस तरह से है ये, और अंदर ये ग्रीन कलर के नग लगे हुए हैं। फुल इसकी स्लीव्स हैं और साथ ये गरारा है जो अलग अलग होता है इस तरह से करके। और इसका भी वही कपड़ा है जो स्लिप का कपड़ा है, ये खींचने वाला, और नीचे इसके यूँ पाइपिंग हुई हुई है ताकि इसकी फॉल अच्छी है। और इस तरह से है ये, और ये उपटन पे पहना हुआ बहुत प्यारा, बहुत फ्रेश लग रहा था। तो अब आती है बारी मेहंदी के ड्रेसेस की, जो कि मैंने बेटी बेटे और हस्बैंड ने सेम कलर रखा था, वो था फिरोजी। तो ये थी मेरी फिरोजी कलर की साड़ी, इसके साथ जो ब्लाउज था वो भी फिरोजी ही था। तो मैंने सोचा कि वो तो मेहंदी के लिहाज से मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसका स्पेशल मैंने ब्लाउज ये स्टिच करवाया था। इसको भी मैंने दर्जी को कहा था इसके जो बाजू हैं वो काफ़ी ऊपर फ्लफी बनाने हैं, लेकिन उसने ये नहीं बनाए। इस पर भी मुझे उस पर बड़ा गुस्सा है। और ये साथ मैंने अपनी बेटी का ड्रेस है, ये देखें, ये भी फिरोजी कलर का ही लहंगा है, ऊपर ये कुर्ती है और ये स्किन कलर की है। साथ ये मैंने दुपट्टा फुट डिज़ाइन किया था। ये जो लहंगा और ये कुर्ती है ये रेडी टू वियर ही ली थी। और ये है बेटे का ड्रेस, इसका भी ये देखें, ये भी मैंने खुद स्टिच कराया था। ये फिरोजी कलर का है क्योंकि इस तरह का कुर्ता मुझे कहीं से भी रेडी टू वियर नहीं मिल रहा था। तो ये जो कपड़ा होता है मिसूरी कपड़ा या कोई जो शलवार का कपड़ा होता है, या आप अगर कैमरे में देख सकें, ये लिया था एक कपड़ा और इसको मैंने स्टिच करा लिया था टेलर से, और ये रेडी टू वियर ही ली थी ये वाली जैकेट। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था। और जो हस्बैंड का ड्रेस है वो एक्चुअली अभी वो धुलने वाला है, तो इसलिए वो तो मैं आपको नहीं अभी इस टाइम दिखा सकती, वो मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ। तो चलें अब मैं इन तीनों ड्रेसेस की आपको एक साथ ही डिटेल वीडियो देती हूँ। ये है नेट की साड़ी जो कि मैंने मेहंदी पे पहनी थी, और ये भी रेडीमेड ही ली थी। रेडीमेड इस सेंस में कि जो नीचे ये काम हुआ हुआ है सारे टोटल पल्लू पे, ये तिल्ले का और ये अंदर की तरफ पाइपिंग लगी हुई है, ये सारी लगी हुई ही थी। और ये धागे का और डायमंडीज का ही काम है। इसको मैंने स्टिच इस तरह करवाया था जिस तरह के नॉर्मल साड़ी की स्टिचिंग होती है, हुक्स वगैरह लगवा के ये इस तरह से। और इसके साथ जो ब्लाउज़ था वो भी इसी कलर में ही था। अभी वैसे लाइट की वजह से इतना कलर इतना इन्हेंस नहीं हो रहा, डिफरेंट आ रहा है। ये है फिरोजी से कलर की, जो शार्प फिरोजी कलर होता है वो। तो इसका ब्लाउज़ भी उसी कलर का था जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा था। मेहंदी के अकॉर्डिंग मैंने फिर येलो ब्लाउज़ बनवाया, ये जो जामावार कपड़ा होता है उसका। इसके बाजू 3/4 रखवाए हैं और अंदर की तरफ मतलब चौड़ी पाइपिंग रखवाई है, और इधर फ्लफी बाजू बनवाए जो कि उसने इतने कोई नीट नहीं बनाए लेकिन फिर भी अच्छे लग रहे थे। तो ये थी साड़ी। और ये है मेरी बेटी का ड्रेस मेहंदी का, मेरे साथ मैचिंग, और ये मैंने रेडी टू वेयर ही लिया था। और इसकी लाइनिंग लगी हुई है सिल्क की, ऊपर ये नेट का है, लहंगा ही है ये, और ऊपर से ये टिशू की है शर्ट, और ये कोरे का और धागे का काम हुआ है। और साथ ही इसका दुपट्टा मैंने खुद इसका डिज़ाइन कर लिया था, थोड़ी सी नेट लेके और साइडों पे ये गोटा लगा लिया था। और ये रहा मेरे बेटे का ड्रेस, ये भी
मसूरी या इस तरह से कोई शलवार का कपड़ा ले लिया था, इसका मैंने स्टिच करा लिया टेलर से और रेडीमेड वेस्टकोट ले ली और इस तरह से इसका बहुत ही इजीली इन दोनों बहन भाइयों का ड्रेस मैचिंग बन गया। आपको ये अच्छे लगे होंगे और अगर अच्छे लगे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर नहीं अच्छे लगे तब भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम ऐसी गलती ना करूं या इसको इम्प्रूव करूं, क्योंकि आप लोगों की सजेशन मेरे लिए बहुत मायने रखती है। और हमेशा की तरह मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।